पेज नंबर 273 पर उदाहरण नंबर 6 है, कहा गया है कि एक बहुमंजिल भवन, एक ये बहुमंजिल भवन है, तो ये बहुमंजिल भवन है, भवन के शिखर, ये इसका शिखर है, ऊपरी सिरा है, से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक और भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है, एक और भवन है 8 मीटर का, तो इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है और ये इसका तल है, तो उनके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, लेकिन अगर इसके शिखर को देखना है तो अपनी आँखों को नीचे झुकाना पड़ेगा, इस टाइप से झुकाना पड़ेगा, और जितना अपनी आँखों को झुकाना पड़ेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा, तो इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। इसी तरीके से अगर इस बहुमंजिला भवन से हम इसके तल को देखें तो अपने आँखों को और ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, तो जितना झुकाना पड़ेगा वो इसका तल का अवनमन कोण कहलाएगा, तो वो है 45 डिग्री। तो हमें कहा गया है, ये सिचुएशन दे रखी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, एक तो हमें ज्ञात करना है, तो इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ h मीटर है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है h मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दोनों भवन जो है उनके बीच की दूरी अगर मैं मान लेता हूँ कि भी x है, तो मुझे ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो, अगर तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखे नाम ABCD वगैरह, तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, लेकिन अगर दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ले लें। तो ये वाला बिंदु इन्होंने P ले रखा है, और यहाँ पर ये बिंदु Q ले रखा है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ले लेना है, नहीं अगर दे रखा तो फिर आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। AB और C दे रखा है, और यहाँ से हम एक रेखा AC के समांतर ड्रॉ करते हैं, AC के समांतर खींचते हैं, और जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको D कह लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ACP और एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है BDP, तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों का हम यूज़ करेंगे। ये 90 डिग्री का है, 90 के सामने करण होता है, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण उतना ही होगा जितना कि ये होगा, क्योंकि ये लाइन है और ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर ये एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण इस तरीके से होते हैं जेड की तरफ, कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हों और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो इनको एकांतर कोण बोलते हैं, और समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का, इसका मतलब ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हुआ, और इसी तरीके से ये रेखा और ये रेखा समांतर है, उनके बीच में ये रेखा काट रही है, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, तो ये वाला कोण 30 का है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एक और ऐसे बन रहे थे, ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा। तो जब भी जेड की तरह आपके पास कोण बने तो वो दोनों बराबर होते हैं एकांतर कोण। तो ये हमने बता दिया कि यहाँ पर इसमें ये एंगल्स किस टाइप से बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACP में समकोण
त्रिभुज ए सी पी में, समकोण त्रिभुज ए सी पी में लें, तो सबसे पहले आप टैन थीटा यूज़ करें, थीटा की जगह 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ पी सी और आधार हुआ एक्स, टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है एक और पी सी जो है इसकी वैल्यू हमने ले रखी है एच और एक्स यहाँ पर टैन 45 की वैल्यू एक, आर पार गुना करेंगे तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक, एक गुना एच एच, एक गुना एक्स एक्स, तो ये एक और समीकरण आ गया कि एच बराबर एक्स, एक समीकरण आ गया। इसी तरीके से अब मैं इस छोटी वाली त्रिभुज में लेता हूँ कि त्रिभुज बी पी पी बी डी में, समकोण त्रिभुज बी डी पी में, बी डी पी में, अब अगर इसमें मैं टैन 30 डिग्री लूँ तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब मेरे पास हुआ पी डी, पी डी और बटे आधार हुआ बी डी, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है एक बटे वर्गमूल 3 और पी डी मेरे पास कैसे आएगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इसका मतलब ये 8 हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, और देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एच है, ये 8 है, 8 है तो बाकी ये रह जाएगा, तो ये कितना होगा एच माइनस 8, एच में से 8 को माइनस कर दें तो इतना आ जाएगा, इतने में से इतने को माइनस कर दें तो इतना रह जाएगा, तो ये हो जाएगा पी डी, पी डी हो जाएगा एच माइनस 8, तो एच माइनस 8 और जो बी डी है वो ए सी के बराबर है, तो बी डी और ए सी दोनों बराबर हैं और ए सी है एक्स, तो बी डी भी कितना हो गया एक्स, लेकिन एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर, तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं एच, कारण दे देंगे बिकॉज एक से एक्स बराबर एच, आर पार गुना कर लेते हैं, एच को एक से गुना करेंगे एच, वर्गमूल 3 को इससे गुना करेंगे तो वर्गमूल 3 गुना एच माइनस 8, तो यहाँ से आपके पास आएगा एच बराबर वर्गमूल 3 गुना एच वर्गमूल 3 एच माइनस 8 गुना वर्गमूल 3 8 वर्गमूल, इस 8 वर्गमूल 3 को उधर ले जाएं तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 8 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 एच और ये एच वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस एच, यहाँ से एच कॉमन निकाल लें तो बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये किसके बराबर आ गया 8 वर्गमूल 3, तो यहाँ से अगर एच मुझे चाहिए तो ये वर्गमूल 3 माइनस 1 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये एच की वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू आपको मिल गई है 8 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, और इसको आप और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, और भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप और सॉल्व कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण करके, तो ये जो आंसर आ गया आपके पास एच बराबर है 8 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, इसको ऊपर भी गुना कर दें वर्गमूल 3 माइनस 1 से और सॉरी वर्गमूल 3 प्लस 1 से और नीचे भी वर्गमूल 3 प्लस 1 से, तो h बराबर हो गया 8 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 जमा 1, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वर्गमूल 3 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एच बराबर है 8 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 जमा 1,
वर्गमूल तीन का वर्ग लेंगे तो वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे तीन, एक का वर्ग लेंगे तो एक, तो एच बराबर आ जाएगा आठ वर्गमूल तीन, पुनः वर्गमूल तीन जमा एक बटे तीन माइनस एक दो, दो से आठ कैंसिल हो जाएगा, दो चौके आठ, तो एच की वैल्यू आ जाएगी चार वर्गमूल तीन गुना वर्गमूल तीन जमा एक, तो इतने मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गई है चार वर्गमूल तीन गुना वर्गमूल तीन जमा एक।